हाय गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। चलो तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ चीकू खिलाने के लिए। आप खा नहीं सकते हो, लेकिन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कैसे चीकू होते हैं। और इस समय गुजरात में हूँ मैं, भावनगर जिला में, तलाजा तालुका में, और बहुत अच्छे चीकू होते हैं। चलो दिखाने चल रहा हूँ आपको। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये रहे चीकू। देखिए कितने बड़े बड़े फल आते हैं। ये चीकू है से अपने इधर, यानी कि उत्तर में और कुछ ऐसे मतलब राज्यों में चीकू नहीं होता है, बाहर से आता है तो उसका भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसा मिलता भी नहीं है ताज़ा। ये ताज़ा फल होता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको। ये सब अभी झाड़ से तोड़े ही गए हैं, और ये यानी कि रखेंगे, और अभी ये कच्चा है, यानी एक रात रुकेगा और पक जाएगा एक दो रात में, यानी ये सब चीकू ही हो जाते हैं। और चलो उनका झाड़ भी आपको दिखा दूं, देखिए कैसा होता है पौधों का चीकू का। तो देखो भैया, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये चीकू का फल हो जाता है, और से तोड़ लिए गए हैं। छोटे छोटे फल दिख भी रहे होंगे लगे हुए, दिख रहे हैं ना, देखिए गोल गोल ये दिख रहे हैं। ये झाड़ होता है सब चीकू का, ये तोड़े गए, देखिए नीचे भी रखे हैं सब, वो चीकू हुई है ना, यानी कि बाग है पूरा, चीकू का बगीचा हो जाता है यहाँ। देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, देखिए ये पूरा चीकू का बाग हो जाता है यहाँ, है ना, यानी कि बड़े बड़े झाड़ होते हैं। देखिए दिख रहे ना, आपको दिखा रहा हूँ अभी और कुछ। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखे होंगे चीकू, देख लिया कितने बड़े बड़े होते हैं झाड़, और उनमें से ऐसे चीकू फरे होते हैं, ठीक। और ये पकते हैं ना तो बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत गड़ू यानी मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही। ये रहा चीकू का बाग, सही तो आपको दिख रहा होगा, भरा हुआ पूरा बाग हो जाता है, देखिए बहुत बड़ा है ये पूरा बगीचा। नीचे से ऐसा ही होता है जगह, बाकी ऊपर देखेंगे ना तो ऐसा झाड़ बताते हैं सब। देखिए ये सब चीकू का ही झाड़ होता है। तो देखिए गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा चीकू, और इस चीकू को मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ कैसा निकलता है। तो अच्छा भैया, चीकू का जिनका वो बाग होता है ना, मैं उनसे थोड़ा मुलाकात आपको कराता हूँ, पूछता हूँ अच्छा वर्ष में कितनी बार यानी कि चीकू का फल आता है एक वर्ष में। तो अगर आप वर्ष में कितने बार फल आता है चीकू में? वर्ष में ये इसका देखिए वो निकाला जाता है, वो इसमें रुआ होता है, तो गोली में भर के फिर हिलाते हैं, तब ये साफ हो जाता है एकदम, लाइट मारने लगता है। तो चाहेगा ओ कितने बार इसका मतलब ओ फल आता है? वर्ष में दो बार आता है। वर्ष में दो बार आता है, लेकिन इसमें खाद पानी सब डालना पड़ता होगा ना। देखा भैया, वो चीकू की बाग है, और हमने मालिक से बात कराई थी, वो बोलते हैं वर्ष में दो बार फल आता है, पहले भी मेहनत किया होगा तब थोड़ा फल अच्छे आते हैं अभी। चलो तो अच्छा भैया, और आगे को दिखा रहे हैं। तो देखिएगा, ये रहे चीकू गुनी में कैसे भरे हुए हैं, और ऐसा देखिए हिलाया जाता है जब उसमें चिकना हो जाता है चीकू। तो देखिएगा, जैसे कि ये रहा चीकू, और आपको चीकू तोड़ के दिखा रहा हूँ, पका हुआ चीकू है, चलो खाते हैं। देखिए ये चीकू पका हुआ, यानी बहुत मीठा होता है, दाना होते हैं इसके अंदर, दाना टाइप का निकलता है, देखा। और ये इसका बीज भी दिख रहा था आपको, ये चीकू है पका हुआ, बहुत मीठा होता है। तो आपने सही देखा होगा गाइस, ये एक ही चीकू का फल था, और कितना बड़ा हो जाता है एक कर देते हैं तो, ये बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ सब सारे हैं, देखिए मैं खाने जा रहा हूँ, नहीं दिख रहे होंगे सही आपको, देखो दिख रहे हैं ना, सब भरे हैं कटोरी में। चलो अच्छा, आप खाते हैं तो चीकू खा लेते हैं थोड़ा, बहुत अच्छे मीठे हैं, आपको भी खिलाते हो भैया? खिलाऊंगा जरूर, लेके आऊँगा जो जो हमारे गाँव में। देखो ताजे है ना, इसलिए बहुत मीठे होते हैं ना, का बहुत मीठा है भैया चीकू। झाड़ ऊपर पका हुआ है, झाड़ ऊपर पका हुआ है ना। तो अगर इसमें पानी पिलाया जाता है जब मतलब तैयार होता है ना, तो देखा भैया जैसे कि बहुत सब मीठे चीकू हैं, ठीक भैया।
चलो अब आगे और कुछ दिखाते हैं। चलो अच्छा भैया, बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक्स भाई।